हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि कैसे एक जीएसटी बिल हम क्रिएट करेंगे। हालांकि इस पे वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन ये वीडियो थोड़ी खास है, तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है, तो ये ओपन कर लिया हमने। और यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे जाइए और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इस तरह का एक सिनेरियो डिस्प्ले होगा। यहाँ पे व्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर इसे मैं नाम दे देता हूँ सॉफ्टवेयर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सबसे पहला काम करना है आपको, यहाँ पे कस्टमर आईडी देना है। कस्टमर आईडी ये दे दिया हमने, इसको ऑटो नंबर रखा है मैंने। फिर यहाँ कस्टमर का नेम आएगा, टेक्स्ट डेटा टाइप होगा ये। फिर सिटी, यहाँ पे सिटी आ जाएगी। और फिर स्टेट, यहाँ पे स्टेट आएगा। और फिर यहाँ पिन कोड आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पिन लिख दीजिए। और यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट का नाम, जो भी आपने प्रोडक्ट बाय किया है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट नेम कर देता हूँ। और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप प्राइस डालनी है उस प्रोडक्ट की, जो भी प्राइस होगी को डालनी है। इसमें हमको प्राइस में क्या करना है, इसको करेंसी डेटा टाइप बनाना है। जो भी प्राइस है आपकी, इसको क्या बनाना है, करेंसी डेटा टाइप। तो कैसे बनाएंगे, यहां पर क्लिक कीजिए और यहां से आप करेंसी कर लीजिए इसको। बस यूनिट, यूनिट हमको पॉइंट में देना है, इस वजह से हम यहां पे डेटा टाइप नंबर रखेंगे और इसको बना देंगे डबल। यहां से फील्ड प्रॉपर्टी पे जाके फील्ड साइज पे जाइए और इसको डबल बना दीजिए। और यहाँ पर अब आ जाएगा टोटल, तो जो टोटल आएगा वो भी क्या होगा, पॉइंट में भी हो सकता है, तो इसके लिए इसको डबल बना देंगे। यहाँ से ये डबल कर दिया हमने। अब फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें सीजीएसटी एसजीएसटी देना है, तो दोनों में एक ही में दे रहा हूँ, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन परसेंट। परसेंट में ये जो भी आएगा वो होगा। और यहां पर इसको हम रखेंगे नंबर डेटा टाइप और यहां से इसको बना देंगे डबल। और फॉर्मेट इसका रख दीजिए आप परसेंट, रख दिया। चलिए अब सीजीएसटी एसजीएसटी यहां पर परसेंट में आ जाएगा, इसके हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ टैक्स कर दिया हमने, और जो भी टैक्स का अमाउंट होगा वो भी पॉइंट में आ सकता है, तो यहां पे नंबर डेटा टाइप और यहां पे कर देंगे हम इसको डबल। ठीक है, बस इतना करना है। अब मान लीजिए कि अदर स्टेट से कोई आता है तो वहां पर आईजीएसटी अप्लाई होता है, तो आईजीएसटी भी दे दिया हमने यहां पे और इसको नंबर रखा और यहां से इसको बना लिया हमने डबल और फॉर्मेट रख दिया परसेंट। ठीक है, ये कर दिया। अच्छा, एक काम और आपको करना है, यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी जो है इन परसेंट जो दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे आ रहा है डिफॉल्ट वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू में आप जीरो डाल दें, ताकि अगर कोई व्यक्ति बाहर का हो जहां पर आईजीएसटी लगाना हो तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपने आप जीरो हो जाए। इसी तरह से आईजीएसटी में भी यही काम आपको करना है, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे जीरो रखनी है। ठीक है, तो जीरो ये अपने आप ले लेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आईजीएसटी। अब इसमें भी यहां पे मैं लिख देता हूं आईजीएसटी पहचान के लिए अमाउंट ऑफ टैक्स, तो ये कर दिया हमने। और इसको हम रख लेंगे नंबर डेटा टाइप, रख लिया। और यहां से इसको बना देंगे डबल और यहां पर क्लिक करेंगे। एक काम, ये अगर यहां से क्लिक कर देंगे, चलिए ये क्लिक कर दिया हमने, तो ये इस तरह से हमें शो हो गया। और अब हम इसमें क्वेरी बनाएंगे, तो क्रिएट पे चलेंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। आ गए, यहां पर हमें ऐड करना है इसको
और ऐड करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और इन सबको एक साथ ड्रैग करके यहाँ पे ले आके छोड़ दीजिए, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमको टोटल कैलकुलेट करना है, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा कर लेता। और यहाँ पर क्या करना है आपको, प्राइस का मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट से, बस आपका काम हो जाएगा। ओके प्रेस कीजिए, तो ये प्राइस को मल्टीप्लाई कर देने से काम हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी आप परसेंट में देंगे। यहां पर केवल आपको करना क्या है, टोटल में ही हमारा परसेंट आएगा, टोटल में ही हमारा टैक्स छिपा होगा। तो यहां पे मैं करता हूं टोटल इनटू, अब देखिए जो कैलकुलेट होकर आएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन परसेंट, तो वो चीज जो है यहां पे लिख देना है आपको, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन परसेंट, ये कर दिया हमने। और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है, ओके प्रेस कीजिए। अब आईजीएसटी की बात है तो आईजीएसटी के लिए भी यहां पे कर देते हैं हम, राइट क्लिक करते हैं इस पे और यहां से जूम व्यू पे ले लेते हैं। तो आईजीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल इनटू आईजीएसटी, बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये आईजीएसटी भी कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, ओके प्रेस कर दिया हमने। अब यहां से रन पे क्लिक कर दीजिए, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। तो अब हमें कहां चलना है, क्रिएट पे चलना है और फॉर्म डिजाइन करना है। तो पहले हम यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं लिख करके कि हमारा हमारी सारी चीजें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, जो हमने फॉर्मूलाज लगाए हैं, जो सारी चीजें की हैं। जैसे मान लीजिए पहले कस्टमर का नाम है अवनी और स्टेट है यूपी, कर दिया, पिन कोड जो भी हो यहाँ पे डाल दीजिए। यहां पर आएगा प्रोडक्ट का नाम, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है, प्राइस जो भी है वो यहां पे डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड की प्राइस है 220 रुपए, और यूनिट जो है मान लीजिए 6 इन्होंने परचेस किया, तो उसके हिसाब से यहां पे टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमको सीजीएसटी एसजीएसटी देना है, दोनों सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों सेम सेम अमाउंट में होता है, अगर सेम स्टेट की बात होती है तो दोनों एक साथ सेम सेम अमाउंट में लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सीजीएसटी 5% है तो एसजीएसटी भी 5% लगेगा। तो यहां पर मैं कर देता हूं 10, इसको पॉइंट में दे देते हैं, तो यहां पर 10 है, आगे कर देता हूं मैं 10.5 हो गया ये। अब यहां पे अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होकर आ गया, आप देख सकते हैं ये अमाउंट जो है अपने आप कैलकुलेट होकर आ रहा है, ये देख लीजिए। अब मान लीजिए दूसरे कस्टमर है, वो किसी दूसरे जगह के हैं, जैसे मान लीजिए ये है रमेश और ये घूमने के पर्पज से कहीं आए इटारसी, यहाँ पे एमपी कर दिया हमने, और जो भी पिन कोड हो यहाँ पे डाल दीजिए, और जो भी सामान ये परचेस करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इन्होंने एक परचेस कर लिया हेडफोन, ठीक है, हेडफोन परचेज कर लिया और ये हेडफोन 550 रुपए का मिला और इन्होंने दो हेडफोन परचेस किए, तो इसके हिसाब से यहाँ आ गया। अब यहाँ पर जो टैक्स आएगा वो टैक्स तो सेम ही आएगा, लेकिन यहां पर नहीं लगाएंगे टैक्स, कहां लगाएंगे, आईजीएसटी वाले कॉलम में हम टैक्स लगाएंगे। तो आपको सिर्फ यहां पर लिखना है 10.50, तो यहां पर अब आईजीएसटी अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा, सेम टैक्स है देख लीजिए, ठीक है, ये अमाउंट जो है 550 रुपए पे सेम टैक्स लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्म व्यू में ले लेते हैं, यहां से चलते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं क्वेरी, इसको मैं लिखता हूं फॉर्म QRY, सेव कर लिया। अब हम चलते हैं फॉर्म व्यू में, तो यहां पर दिया हुआ है मोर फॉर्म, मोर फॉर्म में आके फॉर्म विजार्ड पे आते हैं और इन सारे डेटास को हम ले लेते हैं, और यहां से डेटा हमें टेबुलर फॉर्म में रखना है, कॉलमर फॉर्म में, ये जज कर लीजिए, कॉलमर में रखना है तो ऐसे, ठीक है, इसमें से कोई भी स्टाइल आप चूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, तो ये चूज कर लिया मैंने। यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करके मैं इसको फिनिश कर देता हूं, तो ये इस तरीके से आएगा। अब यहां पर इनवॉइस लिखा हुआ आना चाहिए, इसको थोड़ा नीचे की तरफ आप खिसका लीजिए और ड्रैग करके, और यहां से इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इनवॉइस लिख देता हूं, ठीक है, और इसको यहां से
फॉन्ट बढ़िया सा चूज कर लीजिए आप, ये फॉन्ट ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। और इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ, पहले बोल्ड कर लेता हूँ। अब ये पूरा का पूरा डेटा जो है इसको यहाँ पे एक कलर प्रोवाइड करते हैं हम, यहाँ से ये कलर हम प्रोवाइड करेंगे। ये सपोज कीजिए ब्लैक कलर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, और इसकी साइज जो है थोड़ी हमें बढ़ानी है, ठीक है। तो साइज बढ़ा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये इनवॉइस लिखा हुआ बड़े में आएगा, और यहां से आप इसको थोड़ा नीचे की तरफ खिसका लीजिए। अब ये पूरा पूरा हमें ठीक से दिखाई पड़ रहा है, इसको डिजाइन व्यू में ही रख करके। और यहाँ फॉर्म के फुटर पर आप चाहे तो बटन बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको सर्च का बटन बनाना है, जैसे यहाँ पर ऊपर में ही मैं सर्च का बटन बनाता हूँ, ये इनवॉइस लिखा हुआ है इसके ठीक नीचे, तो यहाँ पर हमें वो बटन क्रिएट करना है। तो हम क्या करें, ये डिजाइन पे क्लिक करके, और हम यहाँ पर ये कॉम्बो बॉक्स चूज करेंगे। ये कॉम्बो बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके और इस कॉम्बो बॉक्स को यहाँ ड्रैग करवा दीजिए। जैसे ही आप ड्रैग करवाएंगे आपको ये एक विंडो करना है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है आई वॉन्ट द कॉम्बो बॉक्स टू लुकअप द वैल्यूज इन टेबल और क्वेरी, तो आप इसको चूज कर लें। ऐसे करेंगे कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, ये दो चीजें, और एक चीज और प्रोडक्ट ले लेता हूं मैं, ये तीन चीजें रहेंगी। इसको यहां से हाइड करता हूं, ये हो गया। तो अब यहां से ओके प्रेस करेंगे, और यहां पर ये तो यहाँ पर अपने हाथ से आपको टाइप करना होगा कस्टमर आईडी, थोड़ा बड़े में टाइप करेंगे हम कस्टमर आईडी, ये कर दिया हमने। और चाहे तो इसको बोल्ड वगैरह बना सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके, और यहाँ से आप इसको बोल्ड बना ले, और चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर वाइट रख सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद नीचे हम कुछ बटन्स क्रिएट करेंगे, तो यहाँ बटन पे आकर के, और यहाँ से ये हमने किया, और यहाँ से गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन, इसको फिनिश कर देता हूँ। अब हमको क्या करना है, अब एक और बटन क्रिएट करना है, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड बना लिया, प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन बनाते हैं। बटन पे क्लिक किया हमने, और प्रीवियस रिकॉर्ड का ये बटन है, ये टेक्स्ट हमें चाहिए तो ये ले लिया हमने, और यहाँ से ये प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन हमने क्रिएट करा लिया। इसको यहाँ से अलाइन कर देते हैं, और ये यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड का बटन टेक्स्ट, तो ये तीन बटन हमने क्रिएट कराए हैं। और एक और बटन का क्रिएट कराते हैं डिलीट रिकॉर्ड का, यहाँ पे रखा हमने, और यहाँ से हम डिलीट रिकॉर्ड का भी बटन क्रिएट करा लेते हैं। और एट लास्ट एक बटन और क्रिएट करेंगे सेव रिकॉर्ड का, तो फिर एक बार क्लिक किया हमने और यहाँ से इसको ड्रैग करा दिया, और यहाँ पर क्लिक किया सेव रिकॉर्ड का बटन भी हमने यहाँ से बना दिया, फिनिश कर दिया इसको। तो ये सेव रिकॉर्ड का भी बटन हमारा बन करके तैयार हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, फॉर्म व्यू पे लेना है, तो ये फॉर्म व्यू पे आ गए हम, ठीक है। और ये एक तरह से देखा जाए तो ये टैक्स इनवॉइस का ही शेप ले चुका है, ठीक है। यहां से अगर आप चूज करते हैं कस्टमर आईडी, तो देखिए दोनों कस्टमर आईडीज यहाँ पे दिख रही हैं आपको, दो ही नेम हमने एंटर करे हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये देखिए अगर रमेश का देखना है तो रमेश का आ जाएगा, और अगर कस्टमर आईडी वन देखना चाहते हैं तो ये वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें थोड़ी चेंजिंग और कर देते हैं हम, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं,
आइए चलिए एक रिकॉर्ड और इसमें एंटर करते हैं हम, ये आप देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं। थर्ड वाला रिकॉर्ड जो है ये हमारे पास है। जो भी आपको वैल्यूज एंटर करनी है ये क्वेरी में जाकर एंटर करनी होगी। ये क्वेरी जो दिख रही है यहाँ पर आप एंटर करें, बुक ऑफ जावा ये आ रहा है, यहाँ पर प्राइस एंटर कर दीजिए। जैसे बुक ऑफ जावा 550 रुपए की बुक है और ऐसी 6 किताबें आपने खरीदी हैं तो यहाँ पे टोटल आ गया, और ये सीजीएसटी एसजीएसटी आपने पहले से दे रखा है और यहाँ से इसको सेव कर दें। अब हम चलेंगे कहाँ, वापस फॉर्म पे, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये तीसरा रिकॉर्ड भी हमारे पास आ चुका है। अब जब इसका प्रिंट निकालना होगा तो यहाँ से प्रिंट पे जाएंगे हम और प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो ये देख सकते हैं ये हमारा इनवॉइस जो है दिख रहा है हमें लाइक इनवॉइस शेप में, ठीक है। यहां से हम इसको प्रिंट दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसमें एक आपको प्रॉब्लम ये होगी कि एक बार आप प्रिंट देंगे तो सारे कस्टमर्स का प्रिंट आने लगता है, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो क्रिएट कर दूंगा। एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि इसको कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये बिल कैसे तैयार करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।